फेशियल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जब हम फेशियल करने जाते हैं तो अचानक हमें याद आता है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है। फिर क्या होता है कि जो किचन में चीज़ें रखी होती हैं उसकी हमें याद आती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप कर्ड का यूज़ करके कैसे अपने स्किन को इंस्टेंट ग्लोइंग बना सकते हैं, कैसे अपने स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है और इसे आपको अपने फेस पे कैसे अप्लाई करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पे दिल से स्वागत है। मैं हूँ अर्चना। इस फेशियल को बनाने के लिए, ये बहुत ही शॉर्टकट फेशियल है, आपको फेशियल की तरफ बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो फेशियल से कई गुना बेहतर मिलेगा, इसकी तो मैं आपको दिल से गारंटी देती हूँ। तो चलिए देखिए कैसे इसको आपको करना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने बालों को बांध लें जिससे आपके जो हेयर हैं वो खराब ना हो। अगर आपकी स्किन को लेमन सूट करता है तो इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को लेमन नहीं सूट करता है इसलिए यहाँ पे मैंने बिना लेमन के दिखाया है आप लोगों को। लेकिन आप लोग अगर दही खट्टा नहीं है तो आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी अच्छे से मसाज करेंगे। इसके लगाने का मेथड जो है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन जिस मेथड से मैं आपको बता रही हूँ अगर आपने उस तरीके से लगा लिया तो यकीन मानिए कि जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग मिलेगा। आप करके देखना, अच्छे से आप मसाज करेंगे, कम से कम आप उसको 5 मिनट्स तक अच्छे से मसाज करें, क्योंकि जब मसाज करेंगे तभी इसका रिजल्ट जो है आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, जो दिन भर की गंदगी है, डस्ट है, वो भी अच्छे से क्लीन होगा। जब आप अच्छे से मसाज कर लेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा हनी लेना है अपने पाम में, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको आपको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, पहले अप्लाई करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग, ये भी मन में क्वेश्चन आता होगा कि जो हम हनी इस तरह से इसके ऊपर लगा रहे हैं, हम चाहो तो कर्ड में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप पहले ही कर्ड में मिक्स कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि कर्ड जो है वो आपका थिक नहीं रह जाता है, तो उससे क्या होता है कि फिर वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कर्ड थिक कर्ड का जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो आपके फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। इसलिए पहले आप कर्ड को डायरेक्ट ऐसे ही यूज करेंगे, उसके बाद आप हनी लगाएंगे, और हनी को बिल्कुल आपको अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ज्यादा इसको प्रेस नहीं, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेच नहीं करना है। आप बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने लगे, हल्के हाथों से बिल्कुल आपको मसाज करनी है। बहुत लोग का ये डाउट रहता है कि जब हम हनी अप्लाई करते हैं तो हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। तो अगर आपके साथ वैसे देखें, हनी आपके स्किन को टाइट करने का काम करता है, लेकिन वही चीज़ है कि हर स्किन को सबको सूट नहीं करता है। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो हनी की क्वांटिटी जो है वो कम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना है आपको, बस हल्का हल्का अपने फिंगर को घुमाना है, जिससे क्या होगा कि वो हनी है आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और उसका जो रिजल्ट है वो आपको माइंड ब्लोइंग मिले। ऐसा आपको 2 से 3 मिनट्स तक करना है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद एक और प्रोसेस है। देखिए, थोड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसमें मेहनत है, लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा के लिए थोड़ा तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद आप कोई भी ऑयल, अगर आपके स्किन को विटामिन ई ऑयल सूट करता है, जो भी अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं वो ऑयल आप 1 ड्रॉप लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। उसको अगेन आप अपने पाम में रखेंगे और उसको क्या करना है, आपको अपने हथेलियों को रब करना है। मैं ये वीडियो जो है वो डे में शूट कर रही हूँ, तो मेरा जो विंडो है वो ओपन है, तो जब धूप आ रही है तो वो लाइट जो है बहुत तेज दिखाई देने लग रहा है आपको, और जब धूप जा रही है तो लाइट जो है वो थोड़ा धीरे हो जा रहा है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि क्यों अंधेरा हो रहा है, क्यों रोशनी आ रही है। उसके बाद जो है, आप फिर जब आप अपने हाथों में ये ऑयल लगा लेंगे, उससे अपने हाथों को आपको अच्छे से मसाज करनी है। बहुत अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। देखिए, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी, सबको पता होता है कि कर्ड लगा लो तो फेस पे ग्लो आ जाएगा, हनी लगा लो, लेकिन आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे आप यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको ऑयल लगा के अब इसे अपनी स्किन पे आपको 10 मिनट्स के लिए ऐसे रहने देना है। बहुत लोगों को थोड़ा सा ईचिंग लगेगा, या थोड़ा सा जैसे होता है ना बर्निंग सेंसेशन होगा, थोड़ा सा लगेगा जैसे जलन जलन जैसा हो रहा है, तो वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा
वो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा हो रहा है किसी किस जिस ये उसी के साथ होगा जिसको हनी सूट नहीं करता है, तो अगर आपको हनी सूट नहीं करता है तो फिर इसे मत ट्राई करें। लेकिन अगर आपके हनी हल्का हल्का हो रहा है तो फिर वो नॉर्मल है, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपने क्या किया है कि मसाज किया है, तो मसाज करने से आपकी स्किन में थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन तो होगा ही होगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में ऐसे हल्का हल्का टैप टैप करना है, क्योंकि आपने हनी अप्लाई किया तो आपका हाथ जो है बहुत अच्छे से नहीं चलेगा, इसलिए आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं बहुत हार्ड कर देंगे तो फिर आपकी स्किन में जो है वो रिंकल्स आने लगेंगे, फाइन लाइन्स दिखाई देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और 10 मिनट्स हो गए हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी वेट टॉवल से अपने स्किन को हल्का हल्का बिल्कुल वाइप करना है। पहले बहुत हल्का हल्का वाइप करेंगे, आपके स्किन पे बहुत अच्छा निखार आएगा। शायद कैमरे में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप करके देखना, आपका दिल बिल्कुल जो है वो खुश हो जाएगा। आप अच्छे से ऐसे जो है अपने स्किन की मसाज करेंगे। ऐसा करने के बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। देखिए आप इसे जरूर ट्राई करें, आप इसे वीक में 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आप इसे ट्राई करें, रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं कि आपको इसका रिजल्ट जो है वो कैसा मिला, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है, लेकिन उन्होंने शुरू से जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से जब भी वो चीज़ें ट्राई करती हैं, अगर उनको रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है तो आके जरूर मेरे साथ शेयर करती हैं। और उन्हें दिल से मैं थैंक्स बोलती हूँ कि आपने, आप मुझे नहीं जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ, फिर भी आप हमेशा मुझे मोटिवेट करते हो, इसके लिए दिल से आपको थैंक्स। क्योंकि हम नए यूट्यूबर्स को आप जैसे लोगों की जरूरत है। क्या होता है कि नए यूट्यूबर्स की चीज़ें लोग ट्राई करने में डरते हैं कि शायद वो सही बता रही है नहीं बता रही है, तो आप मेरी चीजें ट्राई करके वापस आके जब लिखते हो तो दिल से मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, इससे दिल से आपको धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन भी होगा उसे भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।